ज्ञान सहित ज्ञान तुम्हें देता हूं और इस विज्ञान के द्वारा प्रयोग करने से मेरे दर्शन हुए। तो ये बड़े रहस्य की बात, भगवान अर्जुन के साथ में है लेकिन भगवान को नहीं पहचान पा रहा, हो भगवान को जान नहीं सक रहा हो। तो सत्संग के द्वारा पहले समाधान होना चाहिए और समाधान के द्वारा हमारे इष्ट में श्रद्धा होनी चाहिए, बस हमारी और श्रद्धा होने के बाद में उन गुरुओं का निर्देशन होना चाहिए कि सब सती में नौ दुर्गा हैं, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री। तो शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक नौ दुर्गाएं हैं, नौ दुर्गाओं की अलग अलग ध्यान है, अलग अलग मंत्र है, अलग अलग साधन विधि है। तो अपने गुरुओं से रखना चाहिए आपको। तो हमको हमको छह महीने के रास्ता में मुल्ताई जाना है कि तीन महीने के रास्ता में पहुंच पगडंडी में चलना है कि नेशनल हाईवे में चलना है। बस अचानक जैसे बचपन में मतलब गजानन महाराज को माना, उन्हीं को गुरु मान लिया कि भाई अब जो आप करते हो करो और बस सरस्वती का पाठ करो। मान लेना अलग चीज होती है, समाधान शंकाओं का समाधान तो समय के सद्गुरु करेंगे। जैसे मैं जो मैं आप आपका उत्तर दे रहा हूँ, आपका समाधान हो रही है, श्रद्धा बढ़ रही, तो गजानन को मान लेने से वो थोड़ी कर्म नहीं कर पाते। कर्म तो आपको करना पड़ेगा, भगवान के साथ में भी रहे तो कर्म तुमको करना पड़ेगा। कर्मणैव अधिकारस्ते मा फले सुखदाचन, तेरे कर्म करने में अधिकार है, पर कर्म कैसा हो। तो ये दिव्य ज्ञान को भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपादेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनां तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, इस ज्ञान को तो उन तत्वदर्शी जो महामुनि महात्मा है उनके पास में जा, उनकी विधि प्रकार सेवा कर, उनकी सेवा शुश्रूषा करने के बाद जब वो प्रसन्न हो जाए, तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः, तब उनसे प्रश्न करो। जब वो तत्व को जानने वाले माने मेरे को पहचानने वाले ऋषि इस मार्ग का उद्देश्य करेंगे, तब तुम मेरे को इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करोगे और उस मार्ग से चलोगे, फिर वो नेशनल हाईवे। पार्वती जी को कितनी शंका थी, दो जन्म लग गए भगवान को नहीं समझ पाई उन्होंने। फिर सुनी सब कथा हृदय तब भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई, भगवान आज मैं आपने इतना मुझे 100 करोड़ महामंत्रों का एक ही मंत्र बता दिया, 100 करोड़ महामंत्रों का एक ही मंत्र बता दिया, वो है रा और मां, और ये राम की उत्पत्ति कैसे हुई ये मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, नारामाद अधिकम किंचित पठनम जगती तले, रामाद है या अक्षरो मंत्र कोटि शताधिका। ये देवी राम नाम से बढ़ करके इस दुनिया में जप करने योग इनसे बढ़ करके कोई नहीं है। रामाद है मंत्र, ये दो अक्षर मंत्र कोटि शताधिक है, 100 करोड़ मंत्रों से श्रेष्ठ है। 100 करोड़ 1000 बार भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनका नाम जपोगे तब एक राम कहने के बराबर होता है। राम सहस्त्र नाम सम सुन इसी वो वाणी, जप जिह पिए संग भवानी जी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। राम 1000 नाम का एक नाम है देवी, 100 सनार की नहीं, एक ही लोहार की है जी राम नाम जी।